नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत, संकट में टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा। सीएसए ने स्थगित किए घरेलू मैच। भारतीय क्रिकेट टीम के साउथ अफ्रीका दौरे से पहले दोनों देशों के बीच होने वाली सीरीज को लेकर संशय बना हुआ है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने तमाम घरेलू टूर्नामेंट पर पाबंदी लगा दी है। इसको लेकर इस तरह के सख्त कदम को उठाए जाने के बाद अब भारतीय टीम के दौरे पर होने वाले मुकाबलों पर भी संकट के बादल मंडराने लग गए हैं। बीसीसीआई जल्द ही दौरे को लेकर फैसला करेगा, जो कि 17 दिसंबर को पहले टेस्ट के साथ शुरू होना है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डर का माहौल पैदा हो गया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है और काफी लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। इस वेरिएंट की वजह से भारत के साउथ अफ्रीका दौरे पर सस्पेंस बना हुआ है। भारतीय टीम के इसी महीने दौरे पर जाना है, जहां तीनों फॉर्मेट के मुकाबले भी खेले जाएंगे। गुरुवार को क्रिकेट साउथ अफ्रीका के कुछ सदस्यों के कोविड-19 पॉजिटिव पाने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद बोर्ड की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। बोर्ड ने तमाम घरेलू मैच को स्थगित कर दिया है। इस तरह से मुकाबलों को स्थगित करने के बाद अब भारतीय टीम के साथ खेली जाने वाली सीरीज को लेकर भी संशय और भी ज्यादा गहरा चुका है। CSA ने कहा है कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका इसकी पुष्टि करता है कि डिवीजन 2 CSA 4 दिवसीय घरेलू सीरीज के चौथे दौर के सभी 3 मैच स्थगित कर दिए गए हैं, जो 2 से 5 दिसंबर के बीच होने थे। ये प्रतियोगिता बायो बबल में नहीं हो रही है और पिछले कुछ दिनों में टीम के पहुंचने से पहले परीक्षण में कुछ पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। खेल से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए संगठन के कोविड-19 एहतियात कदमों को लागू करना CSA की शीर्ष प्राथमिकता है। अगर भारतीय सीरीज होती है तो ये कड़े बायो बबल में होगी। बोर्ड ने कहा है कि CSA स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और समय आने पर साल के बाकी मैचों के संदर्भ में फैसला किया जाएगा। साथ ही इसी सप्ताहांत होने वाले CSA बी वर्ग 3 दिवसीय और वनडे मैचों को भी 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। तो इस तरह से भारत और साउथ अफ्रीका का दौरा भी अब खतरे में नजर आ रहा है और इससे खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं, काफी सारे ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जिनका करियर पूरी तरह से कोरोना वायरस के दौर में ही निकल जाएगा और वो अपने करियर में उपलब्धियां भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और इनमें सबसे प्रमुख हैं KL राहुल जैसे खिलाड़ी। इसके अलावा विराट कोहली का भी कप्तानी करियर बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुका है कोरोना वायरस की वजह से। साथ ही साथ ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी जिनका करियर अभी शुरू ही हो रहा है और उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, जिससे इनके करियर पर भी अब खतरा मंडराने लग गया है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।